वेलकम टू गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। पहले तो मैं आभारी हूँ आपका और सार्थक का कि इतने सम्मानित एमिनेंट पैनल में आपने मुझे सम्मिलित किया और यहाँ मुझे आमंत्रित किया। आपका प्रश्न रिक्वायर करता है कि मैं छोटा सा एक बैकग्राउंड जेम का यहाँ पे दूं, ताकि इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दूं। जेम को भारत सरकार ने अगस्त 2016 में कंसीव किया, जब ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जा सके। और ये टेक्नोलॉजी ही है आज, क्योंकि हमारा आज का विषय भी टेक्नोलॉजी पे है कि कैसे इनेबल कर रही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तीन तरह की विशेष एडवांटेजेस आए हैं। पहला एडवांटेज है ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि हम जानते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अक्सर लैक ऑफ पारदर्शिता की कमी या करप्शन इश्यूज में मायर रहता है। तो ये सोचा गया कि एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे बहुत विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वन कैन गो अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ वट एवर द नीड्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर। द सेकेंड ग्रेट एडवांटेज दैट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज दैट ऑफ एफिशिएंसी। Efficiency, by efficiency, I mean that earlier when we in the government used to do bids, it was a very time-consuming, lengthy cycle, almost a cycle of 6 months, where the bid life cycle would be or extend to almost 6 months. But आज जेम के माध्यम से एक डिजिटल, जहाँ पे हमने डिजिटल प्रोसेसेस इनेबल कर रखे हैं, एक टेंडर, बिल्कुल नवीन टेंडर भी हम 20 या 25 दिन मैक्सिमम में क्लिंच कर सकते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स अपनी बिड्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो विशेष है, जो कि आज के हमारे बातचीत के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्विटी। जब जेम को बनाया गया तो एक विशेष मैंडेट भारत सरकार ने जेम को दिया कि इट हैज टू बी अ इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म विच एड्रेसेस द इशू ऑफ इक्विटी, एंड दैट इज वेयर इन टूडेज डिस्कशन इज स्पेशली रेलिवेंट। और इसीलिए जेम एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ करता है टुवर्ड्स स्पेशल सेलर सेगमेंट्स, लाइक से दिव्यांगजन और लाइक से अदर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो शायद अगर सीधे सरकार को बेचना चाहें अपने गुड्स या सर्विसेज, तो उनको बहुत सारे बॉटलनेक्स फेस करने पड़े। सो दैट इज व्हाई वी आर देयर। जेम इज देयर टू प्रोवाइड अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू सच नीश स्पेशल सेलर सेगमेंट्स, ताकि वहां पर आप जेम में अपने डिजिटल प्रोसेसेस के माध्यम से यू कैन सेल टू द गवर्नमेंट। अब मैं आता हूं आपका दूसरा प्रश्न जो था, दिव्यांगजन के लिए जेम किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। तो जेम का ये प्रयास है कि इस दिशा में हम कुछ विशेष ऐसे कदम उठाएं ताकि जो हमारे पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उससे लाभान्वित हो सके और भारत सरकार को अपने उत्पाद और अपनी सर्विसेस बेच सके। तो इस तरह से हमने अलग अलग सेक्टर्स के लिए आज भी हमारे पास स्पेशल माइक्रोसाइट विद इन जेम अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पेज कॉल्ड वुमेनिया ऑन जेम, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपना सारा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं और वहां से डायरेक्टली गवर्नमेंट बायर्स खरीदते हैं। ऐसे एक हमारे पास स्टार्टअप रनवे भी एक स्पेशल पेज है, डेडिकेटेड पेज है, जहाँ से सारे स्टार्टअप्स अपना जहाँ पे प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। इसी श्रृंखला में हम एक दिव्यांगजन स्टोर जेम पर बहुत जल्द लाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और मुझे लगता है लगभग अगले महीने हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो इसमें हमारा यह प्रयास है कि जो पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि who have a disability certificate say issued by Department of Empowerment of Person with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, or NGOs hain jo is kshetra mein kaam kar rahe, who are working with divyangjan and in possession of certificates issued by respective state governments, they will be allowed to upload and list their products on the divyangjan market page. GEM, Government e-Marketplace.